पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो वार्म अप मुकाबला खेला गया उसमें कप्तान बाबर आजम अपने ओपनर पर भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, क्या है भड़कने का वजह, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो बात पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो वार्म अप मुकाबला खेला गया हैदराबाद में, उसमें पाकिस्तानी टीम को करारी हार मिली है। इसका जो सबसे बड़ा वजह है खराब गेंदबाजी और थोड़ा बहुत बल्लेबाजी। बता दें कि पाकिस्तान का ओपनर जोड़ी बिल्कुल फेल रही, अब्दुल्ला शफीक हो या फिर इमामुल हक, दोनों फेल हो गए। या दोस्तों, और अब्दुल्ला शफीक पर तो भड़क भी गए बाबर आजम। बता दें कि अब्दुल्ला शफीक जो कि एक बेहद ही अजीबो गरीब शॉट खेलने चल गए मिचेल सेटनर को, जिसकी वजह से आउट हो गए और इसी वजह से बाबर आजम भड़क गए। बता दें कि अब्दुल्ला शफीक ने 12वें ओवर में मिचेल सेटनर की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वो चूक गए और लेथम ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया है। या दोस्तों, और बता दें कि इसमें अजीबोगरीब बात यह थी कि लगभग अब्दुल्ला शफीक हाफ क्रीज तक लग चले गए थे। वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं किए कि वह कहां पर है और क्या वह वापस जा सकते थे। शायद कोशिश करते तो जा सकते थे लेकिन वह बीच में रुके ही नहीं, आगे बढ़ते ही चले गए। ऐसा लगा कि रनिंग ले रहे। इसी के लेकर थोड़ा सा बाबर आजम नाराज भी हो गए और कुछ शब्द भी कहे बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक को। तो पाकिस्तान की टीम को यह हार जो कि एक तरह से अलार्म की तरह है वर्ल्ड कप से पहले कि उनका गेंदबाजी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रही है, स्पेशली नसीम शाह के जाने के बाद से थोड़ा सा जो तेज़ गेंदबाजी है वो सही नहीं दिख रही है। ऐसे में साइंस आफरीदी और हारिस को ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना होगा, नहीं तो पाकिस्तान को टीम को बेहद ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है वर्ल्ड कप 2023 में। अगर गेंदबाजी नहीं चलती है तो मेरे को लगता है कि शायद ही पाकिस्तान की टीम टॉप फोर में जगह बनाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में अपना टॉप फोर में जगह बना पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।